अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है एमके रिएक्शन में है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वैसे तो पूरी दुनिया में हज़ारों किस्म की टाइप्स हैं रिएक्शंस की, लेकिन हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है दो। ठीक है, दो तरह के टाइप्स मैंने हमने पढ़ी, एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिला के एक कंपाउंड बनाए, उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये दो डिफरेंट कंपाउंड जब हम मिला के एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है सॉरी वो मिला के एक कंपाउंड बना रहे हैं, उन्हें हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम और क्लोराइड मिलकर सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसी तरह दूसरी किस्म की रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्शन जिसमें कंपाउंड स्प्लिट कर जाएँ दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यूजली इन रिएक्शन को पूरा करने के लिए हीट रिक्वायर होती है, ठीक है, जिससे हम डिकम्पोजिशन करते हैं कंपाउंड। इसी एग्जांपल्स में ये है कि पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट देंगे तो पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट प्रोवाइड कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अब एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, वो एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन में मतलब कि हमारे पास चेंजेस, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जो एनर्जी चेंज होती है वो स्टडी करेंगे। इन ऑर्डर टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द केमिकल चेंज इन वेरियस रिएक्शन वी नीड टू नो अबाउट द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी मतलब के केमिकल चेंजेस को हम रिएक्शन में चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसमें एनर्जी कौन सी आई है, एनर्जी चेंजिंग उसमें कौन सी आई है। द एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज अ पार्टिकुलरली अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस इज स्टेबल। अब एनर्जी ऑफ सब्सटेंस वो होती है जिसकी वजह से मतलब जो स्ट्रक्चर है सब्सटेंस का वो स्टेबल रहे। अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज एंड अ केमिकल रिएक्शन वेयर इट्स एनर्जी इज चेंज। अब एक सब्सटेंस किसी भी केमिकल चेंज की केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब गुजरता है जिसकी एनर्जी है वो चेंज होती है। एनर्जी द चेंज इन एनर्जी ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग हाइड्रोलाइट। अब जो उसकी एनर्जी में चेंज है वो या एब्जॉर्बिंग की वजह से आएगा या रिलीजिंग की वजह से आएगा, या वो हीट या लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या उसको रिलीज करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एनर्जी केमिकल रिएक्शन इज क्लासिफाइड इन टू टाइप ऑफ रिएक्शन। एनर्जी की एब्जॉर्बिंग या रिलीजिंग की बेस पे हमने केमिकल रिएक्शन को दो तरह क्लासिफाई में डिवाइड कर लिया है, ठीक है, या तो एक्सोथर्मिक होते हैं या वो एंडोथर्मिक होते हैं। अब एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है, थर्म मीन हीट। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जो हमें हीट देते हैं। बर्निंग इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। बर्निंग में आपको पता है हमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल कोल नेचुरल गैस वगैरह जब हम उसको बर्न करते हैं तो हीट रिलीज होती है एयर में। जो आप देख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस हीट, मीथेन प्लस ऑक्सीजन मतलब मीथेन वो चूल्हे में जो हम गैस आम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं उसे कहते हैं, उसे हम जब हीट ऑक्सीजन में बर्न ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, ठीक है। फेरस को आयरन को जब हम सल्फर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो फेरस सल्फेट बनाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी हुई है साइड ऑफ बीकर बिकम वार्म, ठीक है, द हीट विच मेक्स द मिक्सचर इन द बीकर वार्म इज रिलीज बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड वाटर। जो एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, जब आप उसमें रिएक्ट करते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बीकर की जो साइड है वो वार्म हो जाती है मतलब गर्म हो जाती है।